भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ACJM उमेश प्रसाद ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें डालसा सचिव ने आगामी 9 दिसंबर को भागलपुर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और आगामी 2 दिसंबर को होने वाली विधिक सेवा शिविर से जुड़ी जानकारियां दी। डालसा सचिव उमेश प्रसाद ने कहा कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर भागलपुर के DRCC भवन परिसर में 2 दिसंबर को विधिक सेवा शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से विकलांगता प्रमाण पत्र, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बच्चों से जुड़ी योजनाओं के साथ पॉवर्टी एलिमिनेशन से जुड़ी योजनाओं के लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नालसा के निर्देश पर डालसा द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर सचिव उमेश प्रसाद ने कहा कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। सचिव ने कहा कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं और भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर के अलावा नवगछिया और कहलगांव में बेंच का गठन किया गया है। साथ ही सचिव उमेश प्रसाद ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में लंबित दुल्हनिया मामलों का निपटारा किया जाएगा और यह वर्ष 2023 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर डालसा के अध्यक्ष, जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और पक्षकार शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पहले से अधिक मामलों का निष्पादन हो, इसके लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस दौरान बिना किसी प्रकार के शुल्क के राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली, BSNL, पोस्टल, बैंक या आपराधिक मामले, मोटर वाहन विवाद, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधित विवाद समेत कई तरह के मामलों की सुनवाई होंगी। डालसा का एक बहुत ही मेगा प्रोग्राम है, 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है, जिसमें 26 तारीख को तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, 3 दिन जो है मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाना है, जो 2 तारीख को 2 दिसंबर को चिन्हित हुआ है। तो DM साहब के परामर्श से जो है यहाँ पे DRCC जो भागलपुर है उस स्थान को चिन्हित किया गया है और इसमें बेसिकली तीन पॉइंट पे फोकस किया जाएगा कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित जितनी ढेर सारी योजनाएं हैं उस योजनाओं के लाभों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और वहाँ पर जो भी गरीबी योजना से संबंधित मामले हैं उनको वहाँ पर तत्काल उसका लाभ दिया जाएगा या उनके आवेदन को प्रोसेस किया जाएगा। जो है दूसरा है कि बच्चों के रिहैबिलिटेशन के बारे में जो है जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से कॉर्बेट करके जो है बच्चों से संबंधित मामले, इसमें राइट टू एजुकेशन के तहत जो है बच्चों को एडमिशन कराना, आंगनबाड़ी के तहत जो है बच्चों को आंगनबाड़ी योजना तक पहुँचाना जो है और भी केयर एंड प्रोटेक्शन से संबंधित जो बच्चे के मामले हैं जो है SC ST के जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रावास हैं उनके स्कूलों में एडमिशन कराना जो है ये सब चीज़ें किया जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है सितारा योजना, ये जो है ये ट्रांसजेंडर के से संबंधित योजना है जो है और इस मामले में जो है ट्रांसजेंडर को जो है जो उनका जो पारंपरिक जो कार्य है भीख मांगना और ये बधावा मांगना ये सब इससे हटा के जो है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा। जो है उसके संदर्भ में उनका ID कार्ड इशू करना, जो है बिजनेस करना चाहते हैं तो जिला उद्योग केंद्र के सहायता से जो है उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रदान करना और यदि कहीं फाइनेंशियल एड की आवश्यकता है तो उनको जो है बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना और यदि किसी स्कूल में एडमिशन के लिए ही वो प्रयासरत हैं तो उसके लिए भी प्रयासकृत किया जाएगा जो है और ये प्रयास ये किया जाएगा कि जो है जहाँ वो जा रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक सामान्य व्यक्ति के ग्रुप में अगर जाते हैं तो लोग उनको एक अवॉइड करना, तो ये चीज़ ये लोगों के मन से ये बात ख़त्म करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा। बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी के आदेशानुसार जो है 9 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जितने क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं उन कंपाउंड केसेस को यहाँ पर कंपाउंड किया जाएगा, जिसमें पार्टी बिना किसी एडवोकेट की सहायता से स्वयं ही आके संबंधित बोर्ड के समक्ष अपना मामला रख के और मामले को कम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इसमें किसी प्रकार को एक पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती यही है जो है, क्योंकि मामला अगर सेटल हो जाएगा तो आगे भी वो कहीं पार्टीज में अपील भी नहीं कर सकती है क्योंकि कम्प्रोमाइज़ के आधार पर खत्म हो रहा है।
इसके अतिरिक्त जो बिजली से संबंधित जो मामले हैं, बिजली का जो जो बिजली चोरी के संबंधी मामले जो दर्ज होते हैं, FIR दर्ज होते हैं, उसमें कंपाउंडिंग मनी होता है, उस कंपाउंडिंग मनी को जमा करके ताकि इस यहाँ पे इस मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। और अभी तक जो है लगभग 1817 से 1800 केसेस का जो चिन्हित किया जा चुका है जो लोक अदालत में कंपाउंडिंग केसेस को जिसके बारे में नोटिस इशू हो रहा है। भागलपुर में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सौजन्य से आयकर विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय टैक्स पेयर्स हब कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। इस करदाता मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुंगेर योग आश्रम के स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। 26 नवंबर तक चलने वाले करदाता मेला के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग के आयकर महानिदेशक अन्वेषण राहुल कर्ण, प्रधान आयकर निर्देशक अन्वेषण रंजन कुमार, प्रधान आयकर आयुक्त निखिल चौधरी, नई दिल्ली से PR और PP के अपर महानिदेशक नैना सोनी कपिल, आयकर आयुक्त TDS रश्मिता झा, आयकर आयुक्त एडमिन एंड TPS राहुल धवन समेत विभाग के कई पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, DDC कुमार अनुराग, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज भी शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में आयकर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ शहर के कई चिकित्सक, व्यवसायी, CA समेत काफी संख्या में बुद्धिजीवी छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद भागलपुर के आयकर आयुक्त निखिल चौधरी ने अपने संबोधन से सभी अतिथियों और गणमान्य लोगों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम को आयकर महानिदेशक अन्वेषण राहुल कर्ण, प्रधान आयकर निर्देशक अन्वेषण रंजन कुमार और नई दिल्ली से आई अपर महानिदेशक नैना सोनी कपिल ने भी संबोधित करते हुए आयकर के महत्व और जरूरतों से जुड़ी जानकारी लोगों से साझा की। इधर इनकम टैक्स हब कार्यक्रम में भागलपुर के कई स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा SM कॉलेज, TNB कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और समारोह में कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। करदाता मेला में नुक्कड़ नाटक, भाषण और बैंकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही TDS व INDCI की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के PSU के DDO समेत भागलपुर एवं आसपास के जिले से आए SRO ने हिस्सा लिया, जिन्हें TDS, TCS के विभिन्न पुराने और नए प्रावधानों के साथ विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं टैक्सपेयर हब में 3 कियोस्क सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सूचना, समस्या एवं शिक्षा का सेंटर शामिल है। साथ ही 100 से अधिक लोगों की आयकर से संबंधित समस्याओं का जवाब देते हुए 15 ग्रीवांशेस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। जगदीशपुर पुलिस ने शुक्रवार की सुबह 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक कार को जब्त कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने गश्ती के दौरान बांका भागलपुर सीमा के समीप बांका की ओर से आ रही एक कार को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर तेजी से भागलपुर की ओर फरार होने लगा। वहीं इसके बाद गश्ती गाड़ी पर मौजूद PSI सुधीर कुमार सिंह समेत जवानों ने कार का पीछा किया, जिस कारण कार चालक पुरैनी के पास कार छोड़कर वहां से फरार हो गया। इधर पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसके अंदर से भारी मात्रा में विदेशी ब्रांड के शराब की बोतलों से भरा कार्टून बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि कार के अंदर से अलग अलग ब्रांड की 456 बोतल शराब बरामद की गई है और कार के साथ पुलिस ने शराब जब्त कर लिया है। वहीं इसके अलावा जगदीशपुर पुलिस कार सहित शराब को जब्त कर थाने ले आई, जबकि इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी दी गई है। इसको लेकर PSI सुधीर कुमार सिंह एवं PSI बम कुमार ने बताया कि पुलिस शराब तस्कर और कार चालक का पता लगाने में जुट गई है। भागलपुर जिला विधिक संघ सभागार में विधिज्ञ संघ के सदस्यों की आम सभा शुक्रवार को आयोजित हुई, जिसमें जिला विधिक संघ के प्रबंध कार्यकारी समिति की ओर से नवम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के अनुमोदित बजट को पारित किया गया। आम सभा की अध्यक्षता विधिक संघ के प्रभारी अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद सिंह ने किया। इस दौरान प्रभारी महासचिव अरुणाभ शेखर के द्वारा अनुमोदित बजट पढ़कर सुनाया गया, जिसके बाद इसे सदन में चर्चा के लिए रखा गया। वहीं इस बजट में मृत्यु उपरांत चिकित्सा अनुदान, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कुर्सी खरीदने, उपहार राशि वितरण सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया। इस दौरान आय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संघ द्वारा जारी हाजिरी फॉर्म, शपथ पत्र फॉर्म
वकालतनामा फॉर्म का उपयोग करने की अपील अधिवक्ताओं से की गई। बजट पर चर्चा के दौरान भोला मंडल, राकेश रोशन, जयप्रकाश यादव व्यास, संजीव कुशवाहा, ओम प्रकाश तिवारी समेत कई अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट पारित हो गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रभारी अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भवन निर्माण को लेकर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी से मिलकर ठोस पहल की जाएंगी। इधर भागलपुर DBA के संयुक्त सचिव वीरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि आम सभा में लिए गए निर्णय को लागू कराने के लिए कार्य किया जाएगा, जबकि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव लड़ने के कारण भागलपुर DBA के अध्यक्ष जयकरण गुप्ता और महासचिव विमल कुमार विमल की जगह मुक्ति सिंह को प्रभारी अध्यक्ष एवं अरुणाव शेखर को प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही अमित कुमार झा ने कहा कि बैठक में अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए सलाह भी मांगी गई, जिस पर कई अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, जबकि अब इन सभी फैसलों पर अमल करना ही प्राथमिकता होगी। मौके पर रेणु कुमारी घोष, वंदना कुमारी, वीरेंद्र कुमार पांडे और अमित कुमार झा समेत काफी संख्या में अधिवक्ता निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे। आज जिला विधीक्षण भागलपुर के प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा आम सभा में 1 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के आय व्यय का लेखा जोखा का प्रस्ताव लाया गया था। उसमें अनुमानित कितना हम लोगों के जिला विधिक संघ में आय होगा और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा की चर्चा हम लोग अपने अधिवक्ताओं के बीच रखे। हम लोगों का कुल अनुमानित आय जो है वो 48,45,000 के करीब है और अनुमानित खर्च जो है वो 55,53,000 है, जो 7,08,000 जो है ज़्यादा हम लोग खर्च का रखे हैं। इसमें सभी मद में है, उसमें अधिवक्ताओं के चिकित्सा अनुदान में दिया जाएगा, मृत्यु के उपरांत जो हम लोग राशि निर्धारित किए हैं उसमें 15,00,000 का हम लोग रखे हैं, और भी बहुत सा जैसे बिजली बिल है या कर्मचारी को वेतन देना है, इस सभी मद में जो व्यय होना है वो सब आय के आधार पर हम लोग सभी को बांटेंगे। यही चर्चा हम लोग सभी भाइयों के बीच में, अपने अधिवक्ता साथियों के बीच में रखे और सबों ने इसकी स्वीकृति दी कि नहीं आप लोग काम बढ़िया से कीजिए। अभी हम लोगों के यहाँ बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होना है और हमारे पूर्व के सचिव, महासचिव और अध्यक्ष दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन दोनों को अपने पद से थोड़ा देर के लिए चुनाव भर के लिए बार काउंसिल से उनको चिट्ठी आया और उसी के एवज में जो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे वो प्रभार लिए हैं महासचिव का और प्रभारी अध्यक्ष भी बने हैं जो उपाध्यक्ष थे। इन सबों कार्यकारिणी के द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी समिति इस बजट को लाई अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रभारी अध्यक्ष के मुक्ति प्रसाद इसमें होली में जितनी आय होगी और जो पहले से भी रकम जमा है उसमें जितने अधिवक्ता नियमित अधिवक्ता हैं उनको होली पर उपहार की बात को भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा भी जो यह आम सभा ये जो बुलाया गया था बजट के संदर्भ में, इसमें विभिन्न अधिवक्ताओं का जो सजेशन था कि कैसे और हम इसमें बढ़िया अधिवक्ताओं के बेहतरी के लिए एडिटिंग कर सकें, तो इसके लिए सलाह मांगी गई थी। अधिवक्ताओं ने इस पर अपना सलाह दिया, मशवरा दिया और उसे लिखा भी गया है और उसके बाद जो है उसमें अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत होगी।